तो हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पर किरण बेदी ने भी निशाना साधा है। किरण बेदी ने ट्वीट किया है और क्या कुछ कहा है ये आपको दिखाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि किरण बेदी ने साफ तौर पर ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली हालत है। आम आदमी पार्टी ने अगर सरकार बनाई तो वो अपने विरोधी से हाथ मिलाएगी और अगर नहीं बनाती है तो भी सवालों के घेरे में आएगी आम आदमी पार्टी। ये कहना है किरण बेदी का। आपको बता दें, अरुण जेटली ने भी ट्वीट किया था और आम आदमी पार्टी पर अरुण जेटली ने भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो गजब का विरोधाभास है, ये कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल को सपोर्ट करती है, जबकि बिहार की बात कही, लालू प्रसाद यादव की बात कही कि बिहार में लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करती है और पटना में लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करती है कांग्रेस। तो कांग्रेस पर निशाना साधा यहां पर अरुण जेटली ने। अब देखना होगा सोमवार को क्या होता है। और ना सिर्फ अरुण जेटली बल्कि कीर्ति आजाद ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सत्ता के लालच में पड़ी हुई है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कहा कीर्ति आजाद ने। आम आदमी पार्टी के सितम सहने के बाद भी कांग्रेस दे रही है समर्थन, कहीं ना कहीं सत्ता के लालच की बात कही है उन्होंने। कितने भी कर ले आम आदमी पार्टी सितम, हंस हंस कर सहेगी कांग्रेस, ये ट्वीट कर कहा है कीर्ति आजाद ने।